हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। ट्रेडर डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे। एसजीएक्स निफ्टी क्या रुझान दिखा रहा है? एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखें तो हल्की कमजोर शुरुआत देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे फिलहाल आपको नजर आएगा कि केवल 14 अंकों की मामूली गिरावट देखने को मिल रही है, 15,681 के स्तर पर चल रहा है एसजीएक्स निफ्टी। लेकिन आज ग्लोबल से ज्यादा लोकल पर फोकस करना है क्योंकि ब्याज दरों पर जो फैसला है वो आरबीआई की तरफ से आता हुआ दिखेगा करीब 10 बजे, तो उसको बाजार कैसे फैक्टर इन करते हैं। हालांकि जैसा कि हम आपको हेडलाइंस में अभी बता ही रहे थे कि अधिकतर जानकार जो हैं एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि कोई भी बदलाव नहीं होगा दरों में और इससे कैसे बाजार इस पर रिएक्ट करता है इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन ग्लोबल संकेत अगर आप देखें तो सुस्ती नजर आ रहे हैं और विस्तार से समझते कुशल से। कुशल, कैसे देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को? आशीष, जो रुझान दिख रहा है प्राइम फेस ही, अगर आप अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो डाउ लगभग फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखा था। आज जो है जॉब्स के आंकड़ों की जो है हमें नजर रखनी होगी कि किस तरह से वहां पे नंबर्स आते हुए दिखते हैं। उसके बाद फेड जो है कंपेटिवली इन सब आंकड़ों को देखकर क्या डिसीजन आगे अपनी आने वाली मीटिंग्स में लेता हुआ नजर आता है, तो अमेरिकन मार्केट्स को तो लेकर ये क्यू है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट्स की आप बात करें तो काफ़ी मिले जुले से संकेत हमें देखने को मिले। कुछ एक इंडाइसेज जो है करीब 0.2-0.3% बड़े थे, बाकी कंपेरेटिवली थोड़े से गिरावट का रुझान दिखा रहे थे। तो मिले जुले सा रुझान यूरोपियन मार्केट से है और एशियन मार्केट्स की जैसे कि आप हेडलाइंस में भी बता रहे थे तो यहाँ पर सुबह में देख रहा था तो निकेई में भी ऑलमोस्ट 0.6-0.7% की गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। तो एशियन क्यूज कमजोर है, अमेरिकन मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं और यूरोपियन मार्केट से मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ी सी गिरावट का रुझान अभी इनिशियली दिखा रहा है। सुबह के सत्र में करीब 30-32 अंकों की गिरावट थी, अभी आप देखिए लगभग 10 अंकों की गिरावट के साथ ये कारोबार कर रहे हैं। तो बहुत ही म्यूटेड सा रिएक्शंस जो है अभी जितने भी ग्लोबल इंडाइसेस हैं और साथ ही एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, तो बिल्कुल सुस्त संकेत है। हालांकि जैसे कि हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि आज ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला आता है या कोई फैसला नहीं आता, इसके ऊपर नजर रखनी होगी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं फिर आज की लिस्ट के साथ। इससे पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कितने स्टॉक्स पर खरीदारी कर रहे हैं, कितने पर बिकवाली कर रहे हैं। और कुशल, ये भी बताइए कि कल का आपका स्टार परफॉर्मर कौन सा स्टॉक रहा? बिल्कुल, कल का मेरा स्टार परफॉर्मर तो आशीष, हमने देखा कि जो प्रेस्टीज स्टेट से निचले स्तरों से अच्छी बाइंग यहाँ पर होती हुई दिखी और कल एज अ बेस्ट पिक जो है मैंने आपको प्रेस्टीज स्टेट्स भी रिकमेंड किया था। दिन के दौरान भी अगर आप देखें तो पूरा का पूरा रियल्टी स्पेस में 3-3.5% का उछाल हमें कल के सत्र में देखते हुए नजर आया। जहाँ तक आज की स्ट्रैटेजी की बात है आशीष, तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि मेटल्स में राउंड 2 शुरू होने वाला है। गिरावट का रुझान मुझे साफ तौर पर आज के सत्र में नजर आ रहा है। जिस तरह से ग्लोबल सत्र पे जो अलग अलग मेटल्स हैं उनकी प्राइसेस कम होती हुई दिखी हैं, उसको मैं ट्रैक कर रहा था तो उसको ध्यान में रखकर मैंने मेटल काउंटर्स जो है आज के सत्र में शॉर्ट किए हैं। आशीष, आपने किस तरह से आज रणनीति बनाई है? कुशल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है, कोई खास सेक्टर पे तो नजर है नहीं, अलग अलग स्टॉक हैं, टेक्निकल आधार पर मैंने चुने और सभी के सभी स्टॉक जो देख रहा हूँ मैं, 10 के 10 स्टॉक्स मैंने खरीदारी के चुने। और कल के स्टार परफॉर्मर की बात की जाए तो कल मैंने आपको वोल्टास बताया था, अच्छा कंसोलिडेशन था, चार्ट देखने लायक था, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। और उसके बाद देखें तो बाजार में कोई भी गैप अप ओपनिंग नहीं हुई, धीरे 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 दिन के दौरान अगर आप देखें तो सबको मौका मिला, करीब 7-8% की तेजी एफएनओ का स्टॉक है, स्टॉक में तेजी देखने को मिली। और अभी भी जिस प्रकार का रुझान बना हुआ है पूरा स्पेस अगर आप देखें तो बहुत बजेंगे। हालांकि स्पेस से जुड़े हुए कुछ स्टॉक मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किए, आगे चल के देखेंगे। लेकिन अब की जो सूची है, आज की जो सूची है उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। और हर बार की तरह हमारी पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक, और यहाँ पर मैंने एक ऑटो एंसिलरी स्पेस से कंपनी चुनी है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक पर आपको फोकस रखना चाहिए क्योंकि फिर से दोबारा इस स्टॉक में कल की बढ़त के बाद अब जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन है जो आपको वीकली चार्ट पर नजर आएगा, डेली चार्ज देखेंगे, छोटी अवधि के चार्ज देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक दोबारा उसी ब्रेकआउट जोन के आसपास रीच कर रहा है जहां से एक बढ़िया तेजी पिछले स्तरों पर देखने को मिली थी। तो मैं मान रहा हूँ एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी आज ये स्टॉक फोकस में रह सकता है और दिन के दौरान बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1556 रुपए के लक्ष्य लिए एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में आप खरीदारी करके चलेंगे, 1480 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है?
बिल्कुल, और मेरी तरफ से जो कैश का स्टॉक है वो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का। आप देखिए पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे और बेहतरीन साइड पर आंकड़े नजर आ रहे हैं, खासकर ऑपरेटिंग फ्रंट पर। आशीष अगर आप देखें तो 19% से बढ़कर ऑलमोस्ट 23% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली है कंपनी के मार्जिन के लिहाज से। हालांकि अगर आप देखें तो आय ऑलमोस्ट फ्लैट रही है 124 करोड़ पर कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर भी 10 से 11% की बढ़त हमें देखने को मिली है और फाइनल डिविडेंड भी कंपनी ने 6 रुपये प्रति शेयर का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का रुझान बन रहा है नंबर्स के हिसाब से, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी डिफेंसिव स्पेस है और जो डॉलर इंडेक्स है वहां पर अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। तो मुझे लग रहा है कि न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर यहाँ पर खरीदारी कीजिए 620 रुपये के लक्ष्य के लिए, 595 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए कैश स्पेस हमने बात कर ली, अब अगली जो कैटेगरी है फ्यूचर्स की वहां पर हम चलते हैं। और आज का फ्यूचर्स में मैंने पहला मेटल काउंटर आज के लिए शॉर्ट करने की राय आपको दे रहा हूं, वो है JSW स्टील। इनफैक्ट आशीष मैं नोटिस कर रहा था 1 जून से जो है आपको गिरावट का रुझान फिर से प्राइसेस में देखने को मिल चुका है, खासकर अगर आप आयरन ओर की बात करें या फिर जो एल्यूमिनियम है और जो कॉपर है वहां पर भी LME पर कल के सत्र में गिरावट हमें देखने को मिली थी, करीब 2 से 3% की गिरावट वहां पर थी। और 1 जून से अगर हम बात करेंगे तो एल्यूमिनियम और कॉपर में ऑलमोस्ट 4 से 5% का फॉल हमें देखने को मिल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेटल्स में आज के सत्र में हमें बिकवाली कर चलनी चाहिए इसीलिए, और ये कम्प्लीटली प्राइस एक्शन मूवमेंट जो हमें मेटल की कीमतों में देखने को मिल रहा है ग्लोबली उसके बेसिस पर मैं दे रहा हूँ। तो JSW स्टील यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है आज के लिए, 693 का टारगेट रखना है और 722 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो आशीष ये तो हो गया मेरा आज का फ्यूचर्स की पिक, आपने यहाँ पर इस कैटेगरी में क्या चुना है? देखिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में चुना है फाइनेंशियल्स को और ऑप्शंस में चुना है बैंकिंग स्टॉक को। पहले जो फ्यूचर्स की कैटेगरी है उसको बात कर लेते हैं और इस पर मैंने स्टॉक को चुना मैक्स फाइनेंशियल। इस स्टॉक पर आपको नज़र रखनी चाहिए, जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है खासतौर पर डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये स्टॉक जो है बढ़िया तेज़ी दिखा सकता है, सस्टेनेबल तेज़ी यहाँ से नज़र आ रही है। और इसके पीछे का कारण ये है कि इसके चार्ट पर जो है एक बहुत ही बेहतरीन एकदम पिक्चर परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है और इससे पहले भी अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने 3 से 4 बार जो है इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश की, हालांकि हर बार ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो एक पुलबैक देखने को मिला। इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अभी तक क्लोजिंग देखने को नहीं मिली थी, मैं स्टॉक को काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहा था, लेकिन कल के सत्र में अगर आप देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देखने को मिला है। तो ये अपने आप में मैं मान रहा हूँ कि अब काफ़ी सारे टेक्निकल स्क्रीनर्स पर ये स्टॉक आ जाएगा, बहुत सारे एनालिस्ट के रडार पर ये स्टॉक आएगा और बाजार में अगर शुरुआत में हल्की सी भी निश्चित तौर से रिकवरी आती है तो स्टॉक पर आप फोकस बनाकर चल सकते हैं। और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान काफ़ी बढ़िया तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मैक्स फाइनेंशियल्स के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है करीब करीब 958 के आसपास की जो है 959-960 के आसपास की फ्यूचर्स में क्लोजिंग है, आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे करीब 980 रुपये के लक्ष्य के लिए और 947 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छी तेज़ी है, पैटर्न काफ़ी बढ़िया है और इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि अगर ये फिर से पुल बैक आता है यहाँ पर तो आप स्टॉक को ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है रेजिस्टेंस के ऊपर निकलने का प्रयास कर रहा है। जिस दिन भी आप देखिए एक बड़े मैग्नीट्यूड से यहाँ पर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, एक फॉलोअप बाइंग जो है आज आते हुए देखने को मिल सकती है। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में खरीदना है मैक्स फाइनेंशियल्स, लेकिन ऑप्शंस में खरीदना है जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है और बैंकिंग स्टॉक्स में प्राइवेट बैंक्स ने अगर आप देखें तो अब तक की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन अब अगर आप देखें तो इसके अर्ली इंडिकेशन आ रहे हैं, क्योंकि कल के सत्र में परसों के सत्र में अगर आप देखें तो RBL बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गए, ऐसे स्टॉक्स में भी अब देखें मूवमेंट आते हुए नज़र आ रहा है। और एक्सिस बैंक यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, कल जो है एक बढ़िया तेज़ी यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिली, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आई और ये स्टॉक पे भी अगर आप देखें तो सिमिलर रुझान देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया, यानी अगर आज के सत्र में थोड़ी सी भी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलती है तो एक बढ़िया रेंज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। करीब करीब 3 से 4 दिनों का अगर आप देखें तो छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई डेली चार्ज पर एक नैरो रेंज इंडिकेट कर रही है और इस रेंज के ऊपर स्टॉक निकलते एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो है आप ऑप्शंस के जरिए रणनीति बनाकर चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज पॉलिसी का दिन है, बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है, सब इसी स्पेस पर नज़र बनाए रखते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको जो है आप पॉलिसी से पहले का ट्रेड मान लीजिए और हमारा जो लक्ष्य है ना वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पर रखेंगे, केवल
10 रुपए के मूव के लिए 750 की क्लोजिंग है, 760 रुपए के मूव के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए 0.8 का डेल्टा या ऑलमोस्ट 1 का डेल्टा चाहिए, इसलिए जो एट द मनी कॉल है 750 रुपए की, उसमें खरीदारी करके चलेंगे। और अगर ये 761-762 भी हो गया दिन के दौरान, तो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी करीब 27 रुपए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का हो रहा है, क्योंकि देखना होगा कि दिन के दौरान कैसे वॉलिटिलिटी प्ले आउट करती है, और हम थोड़ा समय भी अगर आप देखें तो कम ही दे रहे हैं इस ऑप्शन को। तो 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप एक्सिस बैंक का 750 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, दिन के दौरान 10 से 12 रुपए का अगर मूव आता है तो अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो कुशल, मेरी तरफ से बैंक्स और फाइनेंशियल्स, ये दो स्टॉक्स पर नजर रहेगी। बिल्कुल आशीष, तो बैंक्स और फाइनेंशियल आपके रेडार पर है आज फ्यूचर एंड ऑप्शन कैटेगरी में, और ऑप्शंस में मैंने एक और मेटल काउंटर शॉर्ट करने की राय आपको दे रहा हूं, और यहां पर आपको वेदांता का पुट ऑप्शन तर्क सिमिलर है जो मैंने आपको बताया पहले, 275 का पुट ऑप्शन आपको यहां पर खरीद कर चलना है, 10 रुपए की प्राइसिंग है अभी, 18 रुपए के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए, और 7 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक, कुशल से जानते हैं। कुशल, टेक्निकली कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, तो एएमसी बिजनेसेस जितने भी हैं वो अब वापस से फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से हमें रिलैक्सेशंस कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है, और इस बारे भी अब इनके लिए आज खबर आ रही है कि यहाँ पर सेबी ने जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट्स है वो $1 बिलियन करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर इन्होंने अब अधिकतम $100 करोड़ जो है उस तक आप जो विदेश में निवेश की छूट है, तो कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा हमें होता हुआ दिख सकता है, और मुझे लग रहा है कि यहां पर इस तर्क के आधार पर आज तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। आपने पहले भी देखा कि किस तरह से इनके जो रिस्कोमीटर हैं और जो रिलैक्सेशंस इनके डिस्क्लोजर्स में हमें देखने को मिले थे, 2-3 दिन पहले की ये खबर आई थी उसको ध्यान में रखकर, और अभी जो आज की खबर है यहां पर मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी बन सकती है इस स्पेस में पूरे। इनफैक्ट यहां पर जो थोड़ा और पॉजिटिव लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी, तो वो स्टॉक मैंने चुना है आज के लिए टेक्निकल चार्ट के आधार पर भी, वो है HDFC AMC का। आप देखिए यहां पर खरीदारी कीजिए, 3140 रुपए का टारगेट बनाना है और 3020 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस रखना होगा। तो आशीष, टेक्नोपिक के आधार पर मैंने HDFC AMC चुना है, पर आपकी क्या राय है इस कैटेगरी में? कुशल, देखिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, जिसका चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने हाइज बनाए थे करीब करीब अगर आप देखें तो 450 से ऊपर के, और उसके बाद अगर आप देखें तो स्लोली स्लोली स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक ने जो है करीब 355 से लेकर 370 की रेंज में एक बेस फॉर्मेशन कर लिया है, और यहाँ से अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक नीचे नहीं आएगा, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है और वॉल्यूम्स के साथ अगर आप देखें तो कल स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली है, और कल की जो क्लोजिंग है वो रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग है, यानी ब्रेकआउट स्टॉक में हो चुका है। अब फॉलोअप बाइंग जो है आते हुए देखने को मिल सकती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा स्पेस बहुत ज़्यादा बजिंग है। कल के सत्र में आप देखिए कि वोल्टास हो गया और बाकी के भी जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर पॉलीकैब है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। इन स्टॉक्स को मुझे लग रहा है कि स्मार्ट हैंड जो है अब धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर रहे हैं, और फंडामेंटली और टेक्निकली हर लिहाज से अगर आप देखें तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, और मैं मान रहा हूँ स्टॉक जो है अपने लाइफ हाइज को क्लेम करता हुआ नज़र आएगा। इसके लाइफ हाइज अगर आप देखेंगे तो करीब 456 रुपये के आसपास के हैं, तो फिर से इसी जो है वे पर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 410 की जो है कल क्लोजिंग स्टॉक की, मैं मान रहा हूँ आप जो है थोड़ा पोजिशनल व्यू बनाकर चल सकते हैं 440 रुपये के लक्ष्य लें, और जब तक स्टॉक 398 रुपये के ऊपर बना हुआ है तब तक चिंता की कोई बात नहीं, आप स्टॉक को कंटिन्यूस होल्ड कर सकते हैं। अच्छी तेज़ी, अच्छे रिटर्न्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स इस स्टॉक पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए टेक्नोपिक तो हमने जान ली, अब वक्त है फंडा पिक का, और फंडा पिक में देखिए ऑटो स्टॉक्स मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं। शो के दौरान मैंने काफ़ी बार जो है आपको मारुति बताया कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, अब मुझे नज़र आ रहा है कि आपको डिलीवरी लेके बैठ जाना चाहिए हीरो मोटोकॉर्प की, क्योंकि यहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, बहुत बढ़िया तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर आप डेली वीकली दोनों चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो अच्छे संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और मैं मान रहा हूँ कि एक सस्टेनेबल तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है।
और आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे करीब 3,250 रुपये की रक्ष के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है हम एक प्राइस बेस्ड नहीं टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करेंगे। एक महीने का व्यू देना है, अगर एक महीने में हमारा लक्ष्य हासिल हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर इसको दोबारा रिव्यू करना चाहिए। एक महीने का समय देंगे तो स्टॉक मैं मान रहा हूँ कि 3,250 रुपये तक जा सकता है। अच्छी तेज़ी हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकती है, बढ़िया रिटर्न देखने की क्षमता है और फंडामेंटल्स तो सभी जानते हैं। इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करना है, सबको ही पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर उत्पादक है, भारत में हाईएस्ट मार्केट शेयर रखते हैं और जिस प्रकार से अब मॉनसून की भी जो खबरें आ रही हैं कि अच्छा मॉनसून हो सकता है तो इसका भी एक बढ़िया पॉजिटिव इंपैक्ट कंजम्पशन स्पेस पर देखने को मिल सकता है। तो मेरी तरफ से हीरो मोटोकॉर्प इस स्टॉक पर नजर रखिए। बिल्कुल आशीष, तो हीरो मोटोकॉर्प फंडा पिक के हिसाब से आपको नजर रखनी है और यहाँ पर इस कैटेगरी में मैंने एएमसी से जुड़ी हुई एक और कंपनी चुनी है। तो एचडीएफसी एएमसी मैंने आपको टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर बताया, बट फंडामेंटली जो लॉन्ग टर्म स्टोरी आप जिस पर कैश इन कर चल सकते हैं वो है कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स। आप देखिए यहाँ पर कंपनी का ओवरऑल जिस तरह से कारोबार है, आप देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, ये म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है और पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप आरओई वाइज देखेंगे तो करीब 36-37% की यहां पर स्पेसिफिकली सबसे बढ़िया बात यह है कि कंपनी का इस सेगमेंट में 70% से ज्यादा का मार्केट शेयर है और जो टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स हैं वो कैंप्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये इनकी ग्राहक सूची में है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अभी हमें आगे के लिए भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, अगले 4 सालों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 18% की सालाना दर से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सकती है। तो अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे वाली बात होती है और अगले 1 साल के लिए इसीलिए यहाँ पर मैं निवेश करने की राय आपको दे रहा हूँ। तो कैम्स में आपको खरीदारी करके चलनी है। इनफैक्ट एफआईआईज ने भी पिछली तिमाही के मुकाबले दिसंबर तिमाही के मुकाबले ऑलमोस्ट 2% की जो है आपको बढ़ोतरी भी देखने को मिली है इनकी स्टेक्स में। तो कैम्स में 3200 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है और अगले 1 साल की अवधि के लिए आपको यहाँ पर होल्ड कर चलना है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कल देखिए मैंने आपको फंडा पिक में प्रेस्टीज स्टेट्स बताया था, अच्छे नतीजों की उम्मीद थी, 7-8% की तेजी वहां पर हमें देखने को मिली थी कल दिन के दौरान। और यहां पर एक और रियल एस्टेट स्पेस की कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं दे रहा हूं, शोभा लिमिटेड। आप देखिए कंपनी जो है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में भी काफी अच्छी पकड़ अपनी बना के रखे हुए हैं और जिस तरह से यहां पर ओवरऑल जो रियल एस्टेट स्पेस डेवलप हो रहा है, चाहे आप इनकी सेल्स फिगर्स की बात करिए, इसके पहले आपने कोल्टे पाटिल और साथ ही अजमेरा रियल्टी और साथ साथ आपने जो इनिशियल नंबर्स आते हुए दिखे थे ओबरे रियल्टी की तरफ से वो काफ़ी शानदार थे, कल भी काफ़ी अच्छा उछाल यहाँ पर उस स्पेस में देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कि शोभा लिमिटेड यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं, अगले 1 साल में 650 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और वैल्यूएशन वाइज भी ये काउंटर जो है कंपेरेटिवली इस स्पेस में सस्ता ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो शोभा लिमिटेड में खरीदारी कीजिए 650 के टारगेट के लिए अगले 1 साल के लिए। तो निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है स्टॉक, कुशल इसके चार्ट्स में देख रहा हूँ गेल, ये स्टॉक मुझे काफ़ी बढ़िया पसंद आ रहा है। मैं मान रहा हूँ कि निवेश के लिहाज से अगर किसी को सेफ बेट लगना है 2022 के लिए तक, तो मैं मान रहा हूँ कि आपको सरकारी कंपनीज पर फोकस करना चाहिए, यहाँ पर बेहतर वैल्यूएशन देखने को मिल सकते हैं। और गेल इस स्टॉक में अगर आप देखें तो अपने नेक्स्ट जोन में जा रहे हैं, डाविस बॉक्स जो है निकोलस डाविस की जो थियोरी है उसके अनुसार अगर आप देखें तो अब ये स्टॉक 160 की रेंज को तोड़कर 180 पे चला जाएगा और 180 से ब्रेकआउट हो गया तो करीब 200 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। करीब 12 महीने का समय देंगे तो काफ़ी बढ़िया, यानी करीब 25-30% के रिटर्न्स गेल पर देखने को मिलेंगे। हर गिरावट पर इस स्टॉक को आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है गेल, इस स्टॉक पर नजर रखेंगे। लेकिन अभी बाकी है हमारी अहम कैटेगरी खबरों या फिर नतीजों के दम पर। अगली कैटेगरी हमारी खबरों के दम पर जानते कुशल से, कुशल कौन सा स्टॉक चुना है आपने? बिल्कुल आशीष, तो खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर आईटीआई को। आप देखिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दी है पीएलआई स्कीम, इससे जुड़ी हुई जो है 12,200 करोड़ की कुल पीएलआई स्कीम है और आज से लेकर 3 जुलाई तक जो है कंपनियाँ रजिस्टर कर सकती हैं। तो और यहाँ पर घरेलू कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनी भी पार्टिसिपेट कर सकती है, पर यहाँ पर पीएलआई स्कीम को लेकर जिस तरह से अब रुझान बन रहा है खासकर टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स को लेकर और जो डिमांड आ रही है टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से, कहीं ना कहीं यहां पर काफी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है और मुझे लग रहा है कि ये जो खबर है ये आज इस स्टॉक को ड्राइव कर सकती है। वैसे भी कुछ दिनों से जो है हमें बहुत ज्यादा मूवमेंट इन सब शेयरों में देखने को नहीं मिला, इनफैक्ट इनसे जुड़ी हुई कोई खबर भी ज्यादा आती हुई नहीं नजर आई है। तो इसको ध्यान में रखना है आज आईटीआई पर और जो तमाम टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स हैं उस इस स्पेस पर। तो आईटीआई खरीदारी करके चलिए 126 रुपए के लक्ष्य के लिए, 119 रुपए का आपको स्टॉक लॉस लगाना है।
चलिए कुशल, इस कैटेगरी में मैंने नतीजों वाला स्टॉक चुना है टीबीजी SRAAC। इस स्टॉक BSE लिस्टेड स्टॉक है, इस पर आपको नजर रखनी चाहिए। इस कंपनी जो है केमिकल कारोबार में कंपनी के नतीजे आते हुए देखें, मुझे लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया नतीजे देखने को मिले, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो टॉप लाइन में बढ़त है, मार्जिन में ठीक ठाक एक्सपांशन देखने को मिला है, कामकाजी मुनाफा जो है वो भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। लेकिन खास बात यह है कि पिछले साल कंपनी ने करीब 10 करोड़ का जो है घाटा दर्ज किया था, इस बार का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो करीब 2 करोड़ 40 लाख का मुनाफा दर्ज किया कंपनी ने, तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ। और स्टॉक में नतीजे से पहले कुछ ज़्यादा तेज़ी भी नहीं आई है, BSE लिस्टेड स्टॉक है, छोटी कंपनी है, 350-400 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैप है, तो यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। 35.50 रुपये के लक्ष्य लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे और केवल 33.50 रुपये, यानी स्टॉक थोड़ा भी नीचे आएगा तो एग्जिट कर लेंगे, 33.50 का स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब आखिरी कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है माई चॉइस, और यहाँ पर पहली कंपनी मैंने चुनी है SRF। इसके टेक्निकल्स मुझे काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं और मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक जो है दोबारा अपने लाइफ हाइज को रिक्लेम करता हुआ नजर आएगा। 6,735 रुपये के लक्ष्य के लिए आप SRF में खरीदारी करके चल सकते हैं और 6,555 इस आंकड़े को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में GHCL। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर बड़े ब्रेकआउट के संकेत सामने आ रहे हैं और अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। करीब 1 से 2 दिन का व्यू बनाकर चलेंगे तो 278 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर पोजिशन बनाकर चलेंगे, 263 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट पे, कंडीशनल बाय होगा, स्टॉक पे खरीदारी तभी करेंगे जब कल का जो है हाई टूटेगा। कल हमने देखा था कि स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, हालांकि ऊपरी तरफ से हल्का सा बहुत ही मामूली पुलबैक देखने को मिला और इसी के चलते 1081 जब ये स्टॉक हैविल्स ये 1081 पार करेगा तब तुरंत आप स्टॉक में खरीदारी कीजिए, फिर ये स्टॉक रुकेगा नहीं, अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। 1140 रुपये के लक्ष्य लिए आप हैविल्स में खरीदारी करेंगे, केवल 1050 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी अगर आप देखें तो स्टॉक जो है काफी बढ़िया नजर आ रहा है, हैविल्स इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रखें। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेटल काउंटर से और यहाँ पर भी क्वाली करनी है नालको को। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से ग्लोबल स्तरों पर पिछले 2 दिनों में मेटल जो कमोडिटीज़ हैं वहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है, उससे लग रहा है कि यहाँ पर आज वीकनेस आ सकती है, तो 71 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी क्वाली कीजिए, 74 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है सोनाटा सॉफ्टवेयर पर। इनफैक्ट आखिरी आधे पौने घंटे में एक शार्प स्पाइक इसमें विटनेस हुआ था और मुझे लग रहा है कि टेक्निकली जो है अब वापस से ये बजिंग काउंटर बन सकता है, तो 700 रुपये का टारगेट आज यहाँ पर हासिल हो सकता है, 670 का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है IOL केमिकल्स का, इसके आज नंबर्स आने वाले हैं और अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशंस जो है मैं लगाकर चल रहा हूं, तो IOL केमिकल्स पर भी आज नजर रखिए, 735 रुपए के टारगेट के लिए 706 रुपए का आपको यहां पर भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो चलिए लिस्ट हो गई पूरी, अब जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, 1556 रुपये के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। मैक्स फाइनेंशियल के फ्यूचर्स में बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, एक्सिस बैंक 750 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स बड़े ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर सामने आ रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, गेल में निवेश करना है, टीवीजी SRAAC BSE लिस्टेड स्टॉक के नतीजे बढ़िया खरीदारी करेंगे, SRF में तेजी देखने को मिल सकती है, GHCL फिर से ब्रेकआउट जोन के पास आ रहा है और हैविल्स में खरीदारी करेंगे 1081 के ऊपर, 1140 रुपये के लक्ष्य के लिए हैविल्स में तेजी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, कल के सत्र में बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है, मैं मान रहा हूँ स्टॉक दोबारा अपने लाइफ हाइज को रिक्लेम करेगा, 440 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉक में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए कैश स्पेस में मैंने आपको जो रेकमेंड किया है स्टॉक वो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का, जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं, साथ ही पिछले 2 दिनों में मेटल्स इनफैक्ट खासकर अगर आप जो कमोडिटी प्राइसेस है इनकी वहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है एल्यूमिनियम कॉपर में, तो JSW स्टील के साथ साथ वेदांता में आज जो आपको बिकवाली करके चलनी है, HDFC AMC यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है, इनफैक्ट 3140 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। फंडामेंटली कैम्स पसंद आ रहा है, अगले एक साल में 3200 रुपये के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, साथ ही शोभा लिमिटेड पर नजर रखिए, यहां पर भी एक साल की अवधि के लिए आपको 650 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। खबरों के दम पर ITI नजर रखिए, टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर के लिए जो खबर आई है 126 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में नालको में बिकवाली करनी है, सोनाटा सॉफ्टवेयर IOL केमिकल्स यहां पर खरीदारी करके चलिए, और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है कैम्स का। आप देखिए यहां पर जिस तरह से सेबी नियम आसान करती हुई दिख रही है ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, वो काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है इस स्पेस में, तो कैम्स पर नजर रखिए 3200 के लक्ष्य के लिए।